तो किसान भाइयों कैसे हैं आप। मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रियत 9049 ट्रैक्टर के बारे में जानेंगे जो कि एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर की क्या खास बात है, कितना माइलेज देता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा तभी आपको इस ट्रैक्टर के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें 90 एचपी का इंजन लगा है 4 सिलेंडर के साथ में और ये एक फोर व्हील ड्राइव इंजन है जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी भी बढ़िया मिलती है। और अगर इसके क्वालिटी फीचर के बारे में हम लोग बात करें तो एक तरह का ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जो हैवी ड्यूटी ड्राइव टाइप ड्यूल क्लच के साथ आता है और इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स सिंक्रोमाइज गियर बॉक्स है, यानी कि आप जब गियर लगाएंगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर में जब आप गियर लगाते हैं तो उसमें एक क्रिंक की आवाज आती है, कर कर करके आवाज आती है, बस इसमें कुछ नहीं है, इतना सॉफ्ट गियर लगता, सड़ा सड़ा गियर लगाई पता भी नहीं चलेगा। और इसमें 31.50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से फॉरवर्ड स्पीड भी दी गई है। और आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर में जो कि फोर व्हील ड्राइव मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर है, इसमें मल्टी डिस्क ऑयल इमर्ज ब्रेक दी गई है, मतलब ब्रेक लगाने कोई झंझट ही नहीं, जबरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दी गई है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होते हैं उसमें पावर स्टीयरिंग उतनी दमदार नहीं होती है क्योंकि आगे वाले टायर हैवी होते हैं, पर इसमें पावर स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ दी गई है जिससे आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और आपको बता दें कि इसमें 60 लीटर की लार्ज फ्यूल कैपेसिटी है जो कि लंबे समय तक आपको खेतों में काम करने में मदद करेगा। तो आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर में जो कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में 2400 किलो की स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग कैपेसिटी भी दी गई है। तो चलिए इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान देते हैं। अगर इनके नंबर ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करें तो कुल 4 सिलेंडर के इंजन है और एचपी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 90 एचपी का इसमें इंजन लगा है जिसकी 3595 सीसी कैपेसिटी इंजन है। और इंजन रेटेड आरपीएम के बारे में बात करें तो 2200 आरपीएम का इसमें इंजन लगा है, वाटर कूल्ड इंजन है और इसमें सेंसर बेस्ड ऑयल फिल्टर लगा हुआ है। और पीटीओ की अगर बात करें तो 76.5 एचपी का पीटीओ में लगा है। तो अगर इसमें फोर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो इसमें सिंक्रोमाइज टाइप का फोर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन लगा हुआ है। और क्लच के बारे में बात करें तो हैवी ड्यूटी ड्राइव टाइप इसमें क्लच है। और गियर बॉक्स के बारे में बात करें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स सिंक्रोमाइज इसमें गियर बॉक्स लगा है और 12 वोल्ट की 88 एम्पियर की इसमें बैटरी है और अल्टरनेटर 12 वोल्ट 42 एम्पियर का इसमें अल्टरनेटर लगा है। फॉरवर्ड स्पीड में 31.50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और रिवर्स में 26.44 किलोमीटर प्रति घंटा की इसमें रफ्तार दी गई है। ब्रेक के बारे में बात करें तो जैसे पहले बताया जिसमें मल्टी डिस्क ऑयल इमर्ज ब्रेक है जिसमें ब्रेक लगाने में कोई दिक्कतें नहीं है, लगाइए भाग से ट्रैक्टर वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। अगर इसमें स्टीयरिंग की बात करें तो उसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है, मतलब भड़बड़ा हुआ एक बार घुमाइए तो घूम जाएगा, मजा ही आ जाएगी, मतलब ट्रैक्टर में जो ट्रैक्टर क्वालिटी दी गई है उसमें। अगर फोर व्हील स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो पावर स्टीयरिंग दी गई है और पावर स्टीयरिंग ऐसी वैसी नहीं दी गई है कि घुमा तो घूमे ना, इसमें जितना भारी ट्रैक्टर है उतनी भारी इसमें पावर स्टीयरिंग दी गई है, मतलब एक बार घुमाइए तो बढ़िया ट्रैक्टर घूमेगा, पता नहीं चलेगा कोई ट्रैक्टर घूम रहा है। अगर इसमें पीटीओ की बात करें तो उसमें ड्यूल स्पीड पीटीओ दिया गया है जो कि 540 पे दिया गया है और एक 1000 पे दिया गया है, मतलब दोनों पीटीओ बढ़िया रफ्तार में दी गई है इसमें। और अगर फोर व्हील ड्राइव फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बता रहे 60 लीटर की कैपेसिटी है, इसको ध्यान रखिएगा, एक बार तेल भराइए धनाधन इसमें जुताई करिए कोई मतलब ही नहीं। अगर इस ट्रैक्टर के डायमेंशन ऑफ वेट के बारे में बात करें तो कुल इसका वेट अगर देखा जाए तो 2800 किलो का इसका वेट है और टर्निंग रेडियस इसकी 3600 mm की है। इसकी हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करें तो लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 2400 किलो तक की है और 2 लीवर ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के इसमें लिंकेज पॉइंट दिए गए हैं। इनके टायर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक तरह का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और फ्रंट में 12.4x24 इसमें फ्रंट का टायर दिया गया और रियर के टायर की बात करें तो 18.4x30 के टायर इसमें दिए गए हैं। और एक्सेसरीज के बारे में बात करें तो टूल बम्पर ब्लास्ट वेट टॉप लिंक कैनोपी डोर बॉक्स हिंच ये सब दिया गया है। और अगर इनकी प्राइस के बारे में हम लोग बात करें, अब जो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है वो इनकी प्राइस, अगर इनकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें 15 से 16 लाख के बीच में इनकी प्राइस पड़ेगी जो कि एक्स शोरूम प्राइस है इसकी। और इसमें जो भी आप इक्विपमेंट और लगवाना चाहें, एक्सेसरी और लगवाना चाहें तो उसकी कॉस्ट आप बढ़ा सकते हैं, पर इनकी प्राइस के बारे में बात करें तो 15 से 16-17 लाख के बीच में इनकी प्राइस आपको पड़ेगी। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको इस प्रीत ट्रैक्टर के बारे में जो भी जानकारी दी गई है वो समझ में आई होगी। तो मैंने इसको इन्फॉर्मेटिव बेस्ड में आपको बताने की कोशिश की है और जल्द ही इसकी डिटेल्ड वीडियो भी आएगी जिसमें आपको ट्रैक्टर के बारे में भी बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।